गुरुग्राम का मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस सुर्खियों में बना हुआ है, जिसकी गुत्थी सुलझते नजर नहीं आ रही। इसी बीच दिव्या मर्डर केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जहां अब मृतका की बहन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में पुलिस की जांच से मृतका के परिजन खुश नहीं है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस के हाथ अभी भी कुछ नहीं लगा और पुलिस हिरासत में आरोपियों के मुंह तक नहीं खुलवा पाई है। गुरुग्राम पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए दिव्या की छोटी बहन ने सीबीआई की जांच की मांग की है। बता दें, हत्या के 8 दिन बाद भी गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच दिव्या के शव को बरामद नहीं कर पाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या की बहन का कहना है, यदि पुलिस ने सही समय पर हमारी मदद की होती तो मेरी बहन का शव होटल के कमरे से ही बरामद हो सकता था और इस वारदात में शामिल लोग भी उसी वक्त गिरफ्तार हो जाते। हालांकि पुलिस के अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं कि कोई लापरवाही बरती गई है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मुंबई में हुए संदीप गोडेली के एनकाउंटर केस के बाद दिव्या पाहुजा 25 जुलाई 2023 को जमानत पर जेल से रिहा हुई थी। उसकी जान को खतरा था, इस वजह से वो अपनी बहन और मां से लाइव लोकेशन के जरिए जुड़ी रहती थी। 2 जनवरी की दोपहर 12 बजे परिजनों की दिव्या से आखिरी बार बात हुई थी और उसी दिन दिव्या की गोली मारकर हत्या हुई। पुलिस के मुताबिक 27 साल की दिव्या को मंगलवार को 5 लोग होटल सिटी पॉइंट लेकर गए थे। यहां अभिजीत सिंह के साथ दिव्या रूम नंबर 111 में पहुंची थी, जहां उसे गोली मार दी गई। दिव्या की हत्या में शामिल 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में मेघा नाम की एक युवती को भी गिरफ्तार किया गया है, जो अभिजीत की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि इस केस में अब क्या मोड़ आता है और सीबीआई की मांग की मंजूरी मिलती है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।